मध्य रात्रि हो, एक कांस्टेबल की तरह खड़ा है द्वार पर। परमेश्वर की कृपा देखिए, बड़ी सरकार की कृपा देखिए, दो घोड़े आए हैं, अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है। मंदिर के आगे तो घोड़े, सफेद घोड़े तो आए हैं। सब धज के अंदर से महारानी और महाराजा बाहर निकले हैं। आज प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं, दोनों के चरणों पर गिर के प्रणाम किया है, मानो सब कुछ पा लिया, जीवन में जो कुछ पाना था पा लिया, कोई मांग अवशेष नहीं। एक ही बार में इन वन गो इतनी तृप्ति हो गई, इतना संतोष मिल गया कि अब कुछ पाने को और कुछ नहीं, अब कुछ जानने को और कुछ नहीं, अब कुछ करने को और कुछ नहीं। हर प्रकार से ऐसी तृप्ति इस युवक को आज मिल गई। बड़े प्रेम से चरणों को हाथ लगवाए। महारानी साहिबा ने कहा, यमुना किनारे जा रहे हैं, आप ही चलो। गदगद, उन रोजाओं की नौकरी से यह सीख चुका हुआ था कि राजा लोगों को घोड़े पर किस प्रकार से बिठाया जाता है। अतएव महाराजा साहब को, महारानी को घोड़ों पर बिठाया है और साथ साथ चलना शुरू हो गया है। वहां जाके क्या देखा होगा कोई नहीं जानता, सिवाय इसके या दिखाने वालों के। भोर होने से पहले ही पहले दोनों आ गए हैं। महारानी बहुत प्रसन्न है इस युवक पर, अतएव अपनी एक पायल उतार के तो उसे दे दी है। द्वार उसी ढंग से फिर बंद, सब कुछ। पुजारियों के आने का समय हो गया है, गोसाइयों के आने का समय हो गया है, मंदिर खुलने का समय हो गया है। रुका, महाराजा साहब, महारानी साहब अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, थके हुए हैं, सारी रात उन्होंने रासलीला की है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। मत चुकाओ, अभी थके हुए हैं, थोड़ा आराम उन्हें करने दो। कौन सुने उसकी बात, किसको विश्वास उसकी बात पर, कि क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। गुस्साई अंदर गए, द्वार खुला, अंदर गए, सब कुछ जैसा का जैसा ही। दिखाई मुझे पायल दी है, लेकिन जिस सूटकेस में, जिस ट्रंक में गहने बंद होते हैं उस पर ताला लगा हुआ है, बाहर भी ताला है, मानो किसी के भीतर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, बाहर निकल की कोई गुंजाइश नहीं, बाहर से ताला लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है छोकरा? राधा रानी की पायल पुजारी पहचानता है कि ठीक है, पायल तो उसकी है, लेकिन सब कुछ इंटैक्ट है, ट्रंक खोला गया है, श्रृंगार इत्यादि करना था किया, एक पायल नहीं है। पुजारी गुस्साई भागते भागते बाहर आए हैं इस युवक के चरणों में प्रणाम करने के लिए। युवक तो परमात्मा के पास पहुंच चुका हुआ था, उसने तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। जी के क्या करना है, जीना किस लिए, मैंने बता के क्या करना है, मैंने बड़ा अपने आप को प्रोजेक्ट करके क्या करना है। जिनको बड़ा बनना चाहिए था बड़े, उनको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, ये तो बड़े ही है। सबसे बड़ी की नौकरी, क्योंकि ये बात सत्य है बेटा, इसलिए
इतनी सी बात हमारे भावों में आ जाती है। मैं बैंक की नौकरी नहीं करता, मैं स्कूल की नौकरी नहीं करती, मैं कॉलेज की नौकरी नहीं करती, मैं परिवार की नौकरी नहीं करती, मैं दासी बड़ी सरकार की, मैं नौकर बड़ी सरकार का। इतनी सी बात जीवन में आ जाती है तो जीवन धन्य अति धन्य हो जाता है। सब कुछ परमात्मा का मान के सेवा करना, नौकरी करनी बहुत बड़ी बात है। अपने परिवार की नौकरी तो मानो सत्य से उतने ही दूर, बड़ी सरकार की नौकरी है सत्य के उतने ही पास, और जितने सत्य के पास उतनी ही शांति, उतना ही आनंद। सत्य से जितने दूर उतना दुख, उतनी अशांति जो हमारे भीतर है, जो हमारे पास है, दुख एवं अशांति, तनाव इत्यादि इत्यादि चिंता। क्यों? हम तो अपने पति की नौकरी करते हैं, हम तो अपने परिवार की नौकरी करते हैं, बड़ी सरकार की नहीं। इतना सा भाव जीवन में आ जाए, उतर जाए, सत्य भी है, गलत नहीं है। क्योंकि सत्य है तो इसीलिए परम शांति भी तत्काल मिलती है, परमानंद भी तत्काल प्राप्त होता है। तो देखिए सज्जनों, इसी के साथ ही बड़ी सरकार की नौकरी की ये बात खत्म करने की इजाजत दीजिएगा। जब शुरू होगा अभी, दिन भर चलेगा, रात्रि को भी पूर्णिमा है, आज जाप होगा, कल प्रातः 5 बजे इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो आप सब मिलके जाप